हेलो गाइस, मैं उतर टाले हूँ। तो ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो S2 डीजल वाला वेरिएंट। तो आज हम इसकी राइडिंग क्वालिटी देखने वाले हैं कि चलने में गाड़ी कैसे और कोई वाइब्रेशन कोई नॉइज़ तो नहीं होती, वो आज हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। भाई इस गाड़ी की जो हाइट है ना भाई, वो सच में प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बहुत बड़ी है। अगर भाई कंपेयर टू फॉर्चुनर भी करें तो उसके लगभग इसकी हाइट है, तो आप अंदाज़ा लग सकते हैं कितनी बड़ी गाड़ी है। हालांकि इसके जो टायर्स है वो मुझे थोड़े छोटे लगे अगर प्रैक्टिकली मैं देखूँ तो। तो चलो चलते हैं गाइस, हम इसको ऑफ रोड पर भी ज़रूर ट्राई करेंगे अगर भाई चांस मिला तो। भाई ये जो गाड़ी की हाइट है, सिटिंग पोजीशन भाई इतनी बड़ी है, लगभग भाई आप फॉर्चुनर ही दूसरी इसको आप फॉर्चुनर कह सकते हैं, इसकी उतनी आपको हाइट मिल जाती है सीट की। ये जो हम वेरिएंट चला रहे हैं ये S2 है डीजल, ये भी कच्ची सड़क पर चल रही है, तो भाई मुझे तो कोई भी झटके महसूस नहीं हो रहे अगर ऐसे देखो तो। भाई इतनी बड़ी इसकी हाइट और इसका जो सस्पेंशन का ट्रैवल टाइम है वो भी बड़ा है। तो हाँ, इसके अंदर हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाती है, लेकिन चलो कोई नहीं। भाई इस गाड़ी का सीन ऐसा है, अगर भाई हम चार बंदों को लेकर चलते हैं इस गाड़ी में तो इसके जो सस्पेंशन है वो इतने अच्छे वर्क करते हैं भाई पूछने मत। भाई उसके जगह पर अगर हम सिंगल बंदे को गाड़ी में भेजते हैं तो भाई उसको इतने झटके लगते हैं अगर रियल देखे तो। भाई और जिनके पास स्कॉर्पियो है वो तो भाई उनको पता ही होगा कि कैसे चलती है अगर भाई हम सिंगल बंदे को बैठा कर चलते हैं तब। अभी भाई गाड़ी अच्छी सड़क पर चल रही है तो भाई हमको भाई इतने झटके महसूस नहीं हो रहे। भाई देखो जैसे हम एक ऑफ रोड में जाए तो देखो कितने झटके महसूस होते हैं, तो भाई हम आगे भी कवर करने वाले हैं बिकॉज आगे एक कच्ची सड़क है तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। और हाँ, इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टेयरिंग मिल जाए भाई, तब भी देखो कितने अच्छे से वर्क करता है, मतलब जैसे कि भाई पावर स्टेयरिंग हो जैसे अपनी अभी अभी वीडियो में देखा। तो अभी हम कच्ची सड़क पर चल रहे हैं तो भाई देखेंगे अब कैसे इसके अंदर झटके असलियत में महसूस होते हैं। भाई मुझे तो अभी भी हो रहे, तो भाई जो रिजल्ट है रियल लाइफ में भाई फुल ऑफ रोड के लिए ये गाड़ी है। तो जैसे हम भाई देखो कितनी रश तो नहीं आप कह सकते, थोड़ी फास्ट चल रही है इस ऑफ रोड पर, लेकिन भाई जो झटके होते हैं ना उस तरह के नहीं, लेकिन हमको सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट झटके अभी लग रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कितनी अच्छी गाड़ी है। भाई इसके सस्पेंशन अगर अच्छे होंगे तो तभी अच्छे से वर्क करते हैं, वरना भाई सस्पेंशन अगर ख़राब हो तो ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो आप इसके सस्पेंशन देख सकते हैं भाई, इनका ट्रेवल टाइम देखो कितना अच्छा है, मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हो हाँ ये गाड़ी ऑफ रोड के लिए है। अगर ऐसे देखो विलेजेस में तो भाई बहुत ही अच्छे काम आती है। तो भाई हर किसी गाड़ी में छोटे ना छोटे तो झटके लगते हैं जैसे हमें अभी अभी लग रहे हैं, तो बिकॉज भाई इसकी जो रोड है वो थोड़ी कच्ची है जिस पर हम ये चल रहे हैं गाड़ी। और भाई इसका जो इंटीरियर की जो स्पेस है भाई फॉर्चुनर से कम नहीं है, तो इसके अंदर आपको भर भर के अंदर की स्पेस मिल जाती है। तो भाई इंडियन जो बंदे उनके लिए भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, भाई परफेक्ट है, एक प्रकार से देसी SUV आप इसे कह सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं भाई इस गाड़ी की इंजन नॉइस। और भाई इसके अंदर आपको 2600 CC का डीजल इंजन मिलता है। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक आप लाइक भी कर सकते हो, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।